ने जो बातें बताई हैं उसके साथ मैं आपको दो बातें से जोड़ना चाहती हूँ। एक तो ये कि ये जो तहरीक उठी है और इस वक्त जो उल्लंघन हुआ है बहुत बड़ा एक ऐसा चैलेंज है हमारे सामने। इसकी शुरुआत आज से 20 साल पहले जब मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की मेंबर थी, 1997 में इसकी तहरीक की शुरुआत हुई थी जब सेक्सुअल हैरेसमेंट के नाम से आया था। आज 20 साल बाद हम देखते हैं कि जब इस वक्त जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो हुआ है, कितना कम फासला हमने तय किया है ज़मीन पे, जो चीज़ 20 साल पहले शुरू हुई थी आज उसका जो हाल है, और आज जिसके लिए आप सब यहाँ एक स्पॉन्टेनियस तहरीक के लिए आए हैं उसको आप समझ सकते हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो मुस्लिम विमेन फोरम जिसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुस्लिम विमेन का जो इशू है हमेशा ये तलाक, हलाला, पॉलीगेमी इस तक महदूद रहता है, मगर मुसलमान औरतें इस देश की मुख्य धारा में हैं और मुसलमान औरतें जो हैं वो हर इशू में शाना बशाना पूरे हिंदुस्तान में लोगों के साथ हैं। इस पर आप यकीन करिए और हमेशा याद रखिए कि मुसलमान औरतें आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं, और इसीलिए मैं ये बात आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। और इस तकलीफ में, इस दुख के मौके पर, और उसमें मैं ये एक और बात ऐड करना चाहती हूँ, जीएस कैश की बात जो अभी संगीता ने बताई है, जब मैं आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले जो JNU का जीएस कैश था वो एक एग्जेम्प्लरी था। हम समझते थे कि JNU में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ कमेटी बनी है वो पूरे देश में एक उदाहरण के तौर पे है, मगर आज ये देखते हैं कि उसी JNU में, उसी कमेटी में जिस तरह का एक तरह से हस्तक्षेप हो रहा है फंडामेंटलिस्ट और राइट विंग फोर्सेस का, इससे उसकी पूरी स्पिरिट ख़त्म होती चली जा रही है। मैं आपको बस ये दो बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और आखिर में मैं कहना चाहती हूँ कि जब हम स्टूडेंट्स थे उस वक्त एक बहुत बड़े शायर थे, उनका नाम था राही मासूम रज़ा। सुना है आपने उनका नाम? मासूम रज़ा राही का नाम सुना है? उन्होंने एक शेर कहा था स्टूडेंट्स के लिए, और मैं चाहती हूँ आप सब वो शेर को याद रखें, क्योंकि उस ज़माने में स्टूडेंट्स वर एबल टू ड्रीम, ख्वाब देख सकते थे। तो राही ने कहा था, ये चराग जैसे लम्हे कहीं रायगा न जाए, ये चराग जैसे लम्हे, आपकी जो स्टूडेंट डेज हैं वो बिल्कुल चराग की तरह होते हैं, ये चराग जैसे लम्हे कहीं रायगा न जाए, कोई ख्वाब देख डालो, कोई इनकलाब लाओ। तो आपको उस जमाने में उन्होंने ये कहा था, और ख्वाब देखना बंद मत कीजिए और इनकलाब लाना बंद मत कीजिए, क्योंकि यही आपकी ज़िंदगी में एक मौका है, और हम सब जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं हम पूरे जान और दिल से आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।